बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम ट्रेंड्स हाई स्कूल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ क्लास 5। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली यू आर फाइन एंड सेफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एज यू नो स्टूडेंट, वी स्टार्टेड रिवीजन ऑफ आवर यूनिट नंबर 2 व्हिच इज़ रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स एंड नाउ टुडे वी रिवाइज इट्स एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम ये एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं, आज मैं आपको इसका ओरली बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब न्यू लिविंग थिंग्स बनते हैं, नई जानदार चीज़ें बनती हैं या इंसान बनते हैं उन्हीं की तरह के, तो उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का अमल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई, कॉकरोच और फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसे होता है। तीनों का प्रोसेस सेम होता है कि तीनों पहले जो है वो ले ऑफ एग्स करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। उसके बाद ऐसा ऐसा उनका जो है वो जो महलावार तब्दीली आती है वो आती रहती है। इस तरह से वो कंप्लीट बटरफ्लाई, कॉकरोच और फ्रॉग बन जाते हैं। सी पार्ट में था उन एनिमल्स के नाम बताएं जो कि एग्स देते हैं, उसमें फिश, फ्रॉग और बर्ड्स हमने बताए थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि जो स्टिकल बैक फिश होती है वो क्या करती है? वो जब अंडे देती है तो उसको जो मेल फिश होता है वो उनकी टेक ऑफ करता है या लुक आफ्टर करता है, और 10 दिन के बाद जब वो अंडे टूट जाते हैं तो उसमें से एक उनका जो है वो स्टिकल बैक फिश का फ्राई निकलता है, और फिर ऐसा ऐसा वो कंप्लीट हो जाता है और मुकम्मल स्टिकल बैक फिश बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो कि बेबीज देते हैं और फिर उनके जो बेबीज होते हैं वो मदर फीड करते हैं। फ्लावर पौधों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे सीड हासिल होते हैं और फ्रूट हासिल होता है, और वो सीड जो है वो फिर न्यू प्लांट के लिए ज़रूरत होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेपल किसे कहते हैं? सेपल फ्लावर को ओपन होने से पहले उनकी बात करता है, और पेटल्स होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं, उन पर इंसेक्ट्स जो है बैठते हैं पोलिनेशन के लिए। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन किए जिसमें पोलिनेशन का क्वेश्चन भी था। जब पोलन जो है वो लिया जाता है स्टिग्मा से, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। फूल का कौन का सा हिस्सा जो है वो फ्रूट सीड बनाता है? ओवरी जो फूल का हिस्सा होता है, ओवरी वो फ्रूट और सीड बनाता है। फ्रूट्स और जो बीज होते हैं वो क्यों बिखर जाते हैं जगह जगह पर? हवा की वजह से या पानी की वजह से, और कुछ एनिमल्स की वजह से भी बिखर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स देखे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। इस तरह से फिर हमने जर्मिनेशन और बीन सीड्स का प्रोसेस देखा, बटरफ्लाई और फिश का लाइफ साइकिल। लास्ट क्वेश्चन था आपकी स्टेटमेंट, उसको आपने कम्प्लीट करनी थी। Just like the ovary is a part of a plant which makes seed and fruit. तो ovaries में main answer है इसका blank में। इसी तरह से हम लोगों ने इसके बाकी सारे part किए थे, जैसे कि जी पार्ट है, a seed has a hard outer coat called a testa. सीड के ऊपर एक जो आउटर कोट होता है, कोट होती है, एक तरह होती है, उसको बोलते हैं टेस्टा। स्टूडेंट्स, अब आपने इस चैप्टर की एज अ टेस्ट प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको जब टेस्ट मिले या आपको टेस्ट दें तो आपको अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।